हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और हम थे रामदेवरा में और अभी जा रहे हैं रिटर्न अंबाजी की तरफ। और मैं आ चुका हूँ कोपैसेंजर की साइड में और जो भाई चला रहा है गाड़ी। और जो है यार, रास्ते में रिटर्न आते वक्त भी अपना तगड़ा सीन कटा है। ले लिया हमने रसीद, देखो ये सीट बेल्ट का मेमो है। ये देने वाले हैं आरटीओ इंस्पेक्टर। और ये हमने क्यों लिया, जो राजस्थान में पुलिस है, राजस्थान पुलिस, उनका जो है बिल्कुल त्रास हो चुका है यार यहाँ पे। तो यार यहाँ पे हमने रसीद ले लिया है, तो अब पूरे रास्ते में कोई भी टेंशन नहीं है, हम जो है बेफिक्र चलते रहेंगे। ये रसीद कटवाने का मकसद यही है, आगे कोई भी परेशान करेगा तो ये रसीद हम दिखा देंगे। कोई सबसे बड़ी वजह है यार, इनको कोई भी देख लेता है तो यार दिक्कत ही दिक्कत है यार। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक राजस्थान पुलिस के साथ। अच्छा फायदा ये है कि राजस्थान पुलिस बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करी है, गुजरात पुलिस जैसे गाली गलौज नहीं करती है। तो जो बात हम रखते हैं उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, वो जो है उसको मानने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो वो जो है अच्छी बात है, का तरीका है वो पूरे पूरा वो सुनते हैं, उसके बाद ही वो जो है कुछ रिएक्शन देते हैं, तो वो काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। जो शाम को हमारा सीन हुआ था जोधपुर सिटी में, हम जो रिटर्न सीएनजी डलवाने गए, तब हम तीन ही बंदे थे, फिर भी जो है पुलिस वाले को प्रॉब्लम है यार, पीछे का सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाए, वैसी प्रॉब्लम है। आज तो निकलने से पहले अपना मेमो ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। और जो मेमो ले लिया है उसका मतलब ये नहीं कि हम नियम का उल्लंघन करेंगे, नियम का पूरे पूरा पालन करेंगे। तो बाकी जो आप भी ऐसे ट्रिक अपना सकते हो जिससे कि आपका पैसा बच सकता है। यहाँ पे तो सीधी 3-4-5 हज़ार में ही बात होती है, 10,000-12,000 तक बात पहुँच जाती है। तो उससे तो बढ़िया यही है कि अपना ये मेमो ले लो और जो है चलते बनो। तो हम जो है रामदेवरा से निकल चुके हैं और अभी जो है पोखरण सिटी को बाईपास ले लिया है। यहाँ पे देखो ये बाईपास रोड है और वहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। अंबाजी का डिस्टेंस है यहाँ से ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर, तो करीब शाम के 6-7 बज जाएंगे। और जो अभी नाश्ता वास्ता करना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा रास्ते में। अभी फिलहाल रास्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं और जो है आप भी इधर आओ तो स्पीड को जो है 80 रखो। इंटर आपको जगह जगह पे पुलिस इंटरसेप्टर, आपको इनोवा क्रिस्टा मिल जाएगी, उसमें आपका चालान भी हो सकता है। और ओवर स्पीड का चालान है 2,000 रुपया, तो आप जो है संभाल कर गाड़ी चलाएं। और ये बाइक का सीट बेल्ट देखो, इसका भी देखो। और जो है हम रामदेवरा से निकले तब जब पुलिस इंटरसेप्टर वैन खड़ी थी इनोवा, तो यार वो बोल रहे बहुत बढ़िया है यार, वो पीछे का सीट बेल्ट देख कर यार उनको भी जो है काफी ज्यादा मजा आया, बहुत तेज हो रहा है। देखो अभी दोस्तों पुलिस ने रुका था, फिर जो है हमने रसीद दिखाई और चलते बना। तो आप जो है पहले मंदिर का नजारा देखो, जो हम मंदिर में दर्शन करने गए थे, वो कैसी भीड़ है सारा कुछ। अभी तो जो बीच बीच का प्रोग्राम है वो खत्म हो चुका है, तो सबसे पहले वो फुटेज देखो। देखो ये है कुछ अंदर का नजारा देखो। और यहाँ पे आपने एक ब्लॉग का जो है मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे देखना, यहाँ पे एकदम सुनसान था। और अभी फिलहाल देखो भीड़ नहीं, थोड़ी बहुत है क्योंकि जो फंक्शन वगैरह है, जो बीज वगैरह वो जो ख़त्म हो चुका है, इसी वजह से। देखो दोस्तों यहाँ पे मेन गेट आ चुका है, देखो देखो दोस्तों आज का पहला टोल। ये देखो दोस्तों पुलिस की गाड़ी खड़ी, देखो देखो पुलिस की गाड़ी, आरटीओ साहब खड़े हैं खुद। देखो दोस्तों यहाँ पे घर का डिजाइन देखो, हमारे यहाँ से एकदम अलग। देखो यही से राजस्थान की पहचान है, बाकी जो है छोटी छोटी टपरी यहाँ पे देखने मिल जाती है। बाकी जो है जो रामदेवरा से जो अंबाजी का रास्ता है यानी कि जोधपुर तक, वहाँ पे जगह जगह पे आपको इंटरसेप्टर देखने मिल जाएगी, यानी कि आपका सीट बेल्ट का चलान और जो है सवारी ज़्यादा बिठा रखी है तो, और जो है ओवर स्पीड का, ये तीन चीज़ों का चालान तो होगा ही। सीएनजी लाल पे आ चुका है देखो लाल। और यहाँ पे इस वाले रोड पे जोधपुर तक जो है कहीं भी सीएनजी नहीं मिलेगी। और जो है गुजरात से आ रहे हो तो पेट्रोल डलवा के आना, थोड़ा बहुत जो रेट यहाँ पे ज़्यादा है इसी वजह से। तो अभी तो फिलहाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी है अगले 5-10 किलोमीटर में, और जो गाड़ी पेट्रोल में रन करेगी, देखो पेट्रोल तो अपना है ही। तो बाकी जो रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए दोस्तों आगे आर्मी का काफिला जा रहा है, देखो ये बड़ी बड़ी जो टैंक को ले जाने के लिए टेलर होता है वो जा रहा है देखो आगे भी। और जो है हम ऐसे सैल्यूट करते हैं तो वो भी यार अपनी तरफ से बहुत ही ज्यादा गजब रिएक्शन देते हैं यार। आज जो हम यहाँ पे घूम रहे हैं शांति से, तो उनकी वजह सिर्फ यही ये लोग है, आर्मी वाले लोग, तो इनकी वजह से ही हम जो सुरक्षित है आज। देखो नॉनसेंस लोग, देखो यार क्या है यार, आर्मी को तो कम से कम सपोर्ट करो यार। राजस्थान आरजे पार्सिंग गाड़ी थी यार, ऐसी कैसी नीच हरकतें करते हैं यार लोग। राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या देखो, गाय आ गई बीच में देखो अचानक। अगर ये गलती से रिटर्न मुड़ी, नहीं बोलना चाहूँगा यार, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है। देखो दोस्तों रुक गए रास्ते में यहाँ पे पेप्सी का सेवन करते हुए, और घर के बाद जो है घर पहुँचने के बाद बिल्कुल छोड़ देंगे, नहीं पियेंगे इसको। देखो दोस्तों यहाँ पे रुक गए थे, ये खड़ी अपनी गाड़ी देखो वहाँ पे। और हम दोनों बाइक पैदल पैदल जा रहे हैं ऐसे मजे लेते हुए,
क्योंकि कैसा फील आ रहा है, जो लोग चल के आ रहे हैं उनको जो कैसा लग रहा है वो हम फील कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो अभी तो फिलहाल बढ़िया मजा आ रहा है, जो 100 मीटर भी नहीं हुआ होगा तो इतने में तो यार क्या ही पता चलेगा। बाकी जो जो लोग 300, 400 किलोमीटर दूर से आते हैं उनको यार सच में वाट लग जाती होगी, क्योंकि यार 100 मीटर में ही अपना सांस फूलने लग गए हैं यार। तो यार सैल्यूट है इन लोगों को जो 300-400 किलोमीटर जो है चल कर आते हैं यार। पुलिस का थोड़ा बहुत जो आपको बताऊँ तो यार कल बहुत ही ज़्यादा हमको रोका गया, बहुत ही करीब 3-4 बार होगा, और जब वापसी जब जोधपुर गए तब भी जो रोक लिया गया यार। और राजस्थान पुलिस वैसे जो है आप बात करने का तरीका आपका अच्छा हो तो मान जाती है, बट यार बहुत जगह पे रोकते हैं यार, ये यार बहुत बुरी बात लगी हमको। वो चाहे आप दजा भी लगा लो उनको कोई मतलब नहीं, आप टूरिस्ट है उनको पता भी है कि ये टूरिस्ट है घूमने हैं यहाँ पे, फिर भी जो है उनको कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है सिर्फ जो है पैसों से। और जो है 100, 200, 500 हज़ार नहीं, 2,000, 3,000, 10,000 ऐसे ही बात चलती है यहाँ पे। तो ये पुलिस के मामले में थोड़ा बहुत जो ख़राब एक्सपीरियंस रहा है, और जो मेरे बलेनो लेकर आया था तब जो है ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है, ये वजह है सिर्फ जो है इको लेकर आया इसी वजह से। देखिए दोस्तों पेट्रोल पे आ चुकी है गाड़ी, सीएनजी बिल्कुल खत्म हो चुका है, देखो देखो हो रहा लाल। देखिए दोस्तों आज का दूसरा टोल आया है, तो आर्मी का ट्रक जा रहा है, कैसे निकलेगा वो भी देखने मिलेगा। देखो देखो ऐसे निकलती है आर्मी की गाड़ी, देखो वो भाई ने बैरिकेड था ना वो हटा लिया है, पूरी जगह कर ली बाइक के लिए। देखो फिलहाल रुके हैं अगुलाई करके गांव है, और यहाँ से जोधपुर रह गए मात्र 45 किलोमीटर, और यहाँ पे देखो मार्केट होगा, यहाँ पे जो खाट है ना उसको बनने के लिए जो बेल्ट आता है वो मिल जाता है, देखो जो खाट है ना उसको बनने के लिए। देखो यहाँ पे पूरा बाजार है, इस साइड भी है, खेतीबाड़ी के लगते औजार भी यहाँ पे मिल जाते हैं, गुजराती में बोले तो खाटला भरवा माटे पार्टी पण यहाँ मिली जैसे। देखो आखू बहु मोटू मार्केट है यहाँ। देखो देखिए दोस्तों ये आया है तीसरा टोल आज का तीसरा, देखो और यहाँ पे शायद से अपना रिटर्न कटेगा क्योंकि 24 घंटे हमारे आई हुए हुए नहीं है इसी वजह से। जोधपुर के 20 किलोमीटर पहले यहाँ पे ये सीएनजी पंप आया है, देखो जो कल बंद था बिगड़ा हुआ था लीकेज था वहाँ पे, आप फिर से आ चुके हैं, ये तो अभी फिलहाल चालू है, कल यहाँ पे हमारा पोपट हुआ था ये सीएनजी पंप बंद था क्योंकि इसमें लीकेज आ रखा था। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रेशर है फिलहाल 200 का, देखो डल रही है सीएनजी इसमें, देखो और यहाँ पे ये गाड़ी वाला सिस्टम है, और यहाँ से आगे रामदेवरा जाओगे तो कोई भी सीएनजी स्टेशन नहीं है, लास्ट रिफिलिंग स्टेशन है ये, उससे आगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। 544 की सीएनजी ऑलमोस्ट 6.5 किलो, 6 किलो 300 ग्राम यार बहुत कम आई, बट जो आगे मिल जाएगा वो पाले वाले रोड पे, तो कोई दिक्कत नहीं आगे से डलवा के पेट्रोल फूकने से बेहतर तो यही है कि अपना सीएनजी मिल चुका है। बाईपास वाले रास्ते से निकल रहे हैं, और जो है मैप आपको सजेस्ट करेगा सिटी के अंदर वाला, बट अंदर आप गए तो आपका 100% चालान होगा ही होगा, तो बेहतर यही है कि थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है बट जो है यहाँ से बाईपास ले लो। मैप में आपको ये रास्ता नहीं दिखेगा फिर भी जो है आप अपने अंदाज से ले लो तो आप चालान से बच जाओगे, ये कनेक्ट करेगा सीधे पाली वाले हाईवे पे। देखिए दोस्तों बाईपास वाला रास्ता क्रॉस करके हाईवे आ चुका है, अब जो है यहाँ से पाली बिल्कुल नज़दीक है, और जो है अंबाजी का डेस्टिनेशन अभी भी बचा है 260 किलोमीटर। देखिए आज का ये चौथा टोल है, चौथा ऊपर जो है चालू रखा है ऊपर देखो, और जो है यहाँ से बंद कर रखा है, देखो बैरिकेड कर दिया है, तो यार ये क्या मतलब हुआ। मैंने फिलहाल जस्ट टोल क्रॉस किया, उससे जस्ट थोड़ा बहुत आगे है 5-1 किलोमीटर, यानी कि निमली गांव में है, गाड़ी को एकदम छाव में लगा दिया है यहाँ पे, और जो खाना खाने के लिए रुक गए हैं, ऑर्डर भी हमने कर ही दिया है, बट जो 10-15 मिनट आने में लग जाएंगे। तो यार रील वील अपलोड कर देता हूँ, थोड़ा बहुत जो नेटवर्क का यार बहुत ज़्यादा इश्यू रहता है, कहीं 5G कनेक्ट हो जाता है ना उसके बाद जो नेटवर्क ही उड़ जाता है अपना, एक बार फ्लाइट मोड करना पड़ता है उसके बाद ही नेटवर्क आता है। देखिए दोस्तों ये आ चुका है खाना, रोटी और ये सब्जी, और भी जो है सब्जी ऑर्डर की है बट जो है अभी आने में टाइम लगेगा। देखो खाना हो चुका है, देखो लेकिन सारे प्लेट ख़त्म कर दी सारे भाइयों ने,
खाना वाना हो चुका है यहाँ पे। ये होटल पे रुके थे देखो, इस वाली होटल पे। ये जस्ट टोल के एक दो किलोमीटर आगे ही है। अपना 7 बंदों का जो है 900 रुपया बिल हुआ और जो टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। ये ले लिया अपने पानी की बोतल। बाकी यार ये पीछे से गाड़ी देखो, ओम बन्ना पहुंच चुके हैं यानी कि बुलेट बाबा के दर्शन करने के लिए, और खाना खाया और जो मात्र 10 मिनट में यहाँ पे बुलेट बाबा तक पहुंच चुके हैं। तो फटाक से करते हैं यहाँ पे दर्शन। देखो ये देखो लॉजी दोस्तों, देखिए ये है ओम बन्ना के बुलेट। देखो आज भी जो है वैसी की वैसी कंडीशन में है। देखो दोस्तों, देखो यहाँ पे शराब वगैरह भी चढ़ाया जाता है। देखो पूरे ही होटल है, देखो खुला पॉलिथीन में, देखो शराब भी चढ़ाया जाता है यहाँ पे। देखिए आज का ये 5वां टोल आया है और ये टोल पाली में पड़ता है। देखो 5वां टोल आज का, पैसा ही पैसा फुल, जितना भी है वो सारा टोल वालों को दे देंगे। अब भाई हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है किया वाला, देखो हॉर्न पे हॉर्न। तो भाई आराम से ला भी सकता है यार दूसरी लेन में, हॉर्न क्यों बजाना भी फालतू का। देखो अभी भी हॉर्न बजा रहा है, देखो देखिए दोस्तों ये छठा टोल है आज की जन का। छठा है कि 5 टोल क्रॉस के लिए ये छठा है। देखो यार यहाँ पे ट्रकों का अलग और फोर व्हीलर का अलग है। देखो और यहाँ पे भी लंबी ही लाइन है। देखो रुक गए यहाँ पे सुमेरपुर में और सिरोही रह गया है मात्र 30-40 किलोमीटर। तो यहाँ पे सीएनजी पंप है तो यहाँ पे डलवाने के लिए रुके। देखो प्रेशर भी अच्छा है 200 से प्लस। और देखो सीएनजी एकदम लाल पे आ चुका था, देखो एकदम लाल पे। और जो घर से करीब हमने कवर किया है यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,082 किलोमीटर। देखिए दोस्तों यहाँ पे सीएनजी आया है ऑलमोस्ट 708 रुपये का और 8 किलो 300 ग्राम। देखो दोस्तों ये आज का है 7वां टोल और अभी जो है आगे बारिश गिर रही थी, यहाँ पे थोड़ी कम है और देखो आगे थोड़ी थोड़ी गिर रही है। देखो आगे काट लो भैया आराम से बिना कोई टेंशन के, और जितना अंदर होगा वो भी काट लो, सब कुछ काट लो। आ चुके हैं टनल, देखो कल वाले टनल आ चुके हैं फिर से। देखो और ये छवि यार मस्त बनाई गई है पेंटर द्वारा। देखो अंधेरा ही अंधेरा, देखो अंधेरा ही अंधेरा। आपने देखा कि टैंकर पलटी हो चुका था, उसका जो है टायर वगैरह एक्सल सारा कुछ जो अलग हो चुका है, यानी कि पीछे का हिस्सा अलग हो चुका है। वो तो अच्छा है कि टैंकर फटा नहीं, नहीं तो सारे जलकर राख हो जाते हैं। टनल के पास ही ऐसा हुआ। देखो अभी 6:10 हुआ है और अंबाजी यहाँ से अभी बचा है 86 किलोमीटर, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटा अपने को लगने वाला है। और जो बॉर्डर भी हमको क्रॉस करना है, वो राजस्थान का बॉर्डर और गुजरात में एंट्री लेना है। देखो दोस्तों यहाँ पे मौसम डरावना लग रहा है, देखो साइड बारिश गिर रही है। बाकी यहाँ पे अभी गिर चुकी है, देखो साइड में गिर रहा है, देखो रोड के साइड में, बाकी इस साइड गिर रही है। तो अचानक से एकदम मौसम ठंडा हो चुका है यार। दस 15 किलोमीटर से बारिश ही गिर रही है, देखो लगातार बारिश गिर रही है। अभी जो है आबू रोड मात्र रह गया होगा 30-35 किलोमीटर। देखिए दोस्तों आज का ये 8वां टोल है हमारा। देखो भैया काट लो पूरा एकदम आराम से, जितना हो सके इतना काट लो। और देखो यहाँ पे मौसम देखो यार कितना ज़्यादा खतरनाक हो रखा है। देखो तो बादल कैसे यार ब्लैक ब्लैक डरावने बादल दिख रहे हैं, देखो एकदम खतरनाक। देखो
और अब रोड यहाँ से रह गया मात्र 20 किलोमीटर के आसपास। 7:16 हुई है देखो, और आबू रोड हम जो लेफ्ट ले लिया है, यहाँ पे इस वाले हाईवे को छोड़ दिया है, आबू रोड की तरफ मुड़ गए हैं और अंबाजी रह गए हैं मात्र यहाँ से 28 किलोमीटर। तो यार आधा घंटा से ऊपर लग जाएगा अभी भी पहुँचने में। देखिए दोस्तों सामने छापरी की बॉर्डर देखो जो है, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग डालूंगा सिर्फ, रुकते या नहीं रुकते वो तो बाद में पता चलेगा। देखो ये है छापरी बॉर्डर। तो दोस्तों गुजरात की चेक पोस्ट आई है देखो यहाँ पे। मैं दाहोद तालुका में। ना, देखिए दोस्तों गुजरात बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया, राजस्थान का भी क्रॉस कर लिया, अब हमारी जो है फाइनली एंट्री हो चुकी है गुजरात में। दोस्तों अंबाजी आ चुका है देखो, ये गब्बर वाला सर्कल है देखो, और यार बस ही बस है सारे रोड पे देखो। देखो दोस्तों अंबाजी का कुछ माहौल देखो, ये पूरा एकदम लाइटिंग हो रखा है देखो, जैसा हम कल गए थे तो ऐसा नहीं था, अभी बहुत सारी तैयारी हो चुकी है। तो गब्बर जाने का रास्ता है उस सर्कल से, पुलिस वाले अंदर आने नहीं दे रहे थे, बाद में उनको रिक्वेस्ट किया कि हमको दाऊद की तरफ जाना है, तो उन्होंने आने दिया। तो अभी फिलहाल अंदर तक आ चुके हैं, बाकी जो है बिना पास के आना अलाउड नहीं है अंदर, गाड़ी नहीं ले जा सकते आप, फोर व्हीलर बाइक तो आ जाएगी, गाड़ी नहीं ला सकते अंदर की तरफ। तो देखो यहाँ का कुछ माहौल ये है। कल ये दुकान खाली थी वैसे ही, मतलब काम चल रहा था, अभी देखो यहाँ पे सारी दुकानें लग चुकी, देखो दोनों साइड दुकान ही दुकान है देखो। बॉर्डर तो हमने आराम से क्रॉस कर लिया था दोनों ही बॉर्डर, तो इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बिल्कुल अंबाजी का मेन गेट है वहाँ पे अभी फिलहाल खड़ा हूँ, यहाँ से जस्ट 100 मीटर गेट है। तो यार वो बॉर्डर है उस साइड से भी कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही, और जो है आगे से भी मतलब नहीं आ रही, मैं बीच में हूँ और भाई लोग सारे गए हैं अंबे माँ के दर्शन करने के लिए, और मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जो मैं 1 महीने पहले ही आया था और मंदिर में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था, अंदर 2 घंटे तो वैसे ही बैठे थे। तो यार ब्लॉग काफी लंबा हो चुका है, इसको एंड कर देते हैं। बाकी जो है राजस्थान पुलिस के साथ जो है हमारा व्यवहार तो अच्छा रहा, बट जो यार दिक्कत ये है कि बार बार रोक लेते हैं यार, जो भी इंटरसेप्टर खड़ी हो और रोक ही लेते हैं यार, वो सबसे बड़ी समस्या। और पैसों की बातचीत करें, वो चाहे चालान हो या फिर जो है रिश्वत हो, वो जो है 2-3-5-10 हज़ार ऐसे ही बात करते हैं यार, 100-200 तो कोई मानता ही नहीं यार। तो ये यार सबसे बड़ी समस्या लगी हमको अभी तक गाड़ी चली है हमारी देखो 1220 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, गाड़ी ने मस्त परफॉर्म किया। बाकी जो अलग नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जो है गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रही है और कितनी कितनी दिक्कत आई ट्रिप में, और जो कितना खर्चा हुआ, कितना CNG हमने फूक डाला, वो सारा कुछ जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। हम यहाँ से रातों रात निकल जाएंगे, अभी फिलहाल भाई लोग आ जाएंगे 1-2 घंटे में दर्शन वगैरह करके, तो यहाँ से सीधे निकल जाएंगे घर की तरफ।